अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और खुशबूदार रेसिपी, वो भी मसाले की, जो कि हर घर में बकरीद के दिन और बकरीद में जो भी चीज़ बनते हैं, रेसिपीज़ बनते हैं, उसमें ये मसाला बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, हम आज यही बनाने वाले हैं, मटन और चिकन के कोरमे की रेसिपी के मसाले, जो आज मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी। और इस मसाले से हमारा जो भी रेसिपी कोरमा का या करी का बनेगा या कबाब का बनेगा, उससे हमारे रेसिपीज़ में चार चांद लग जाएंगे और वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 2 टेबल स्पून ज़ीरा। फिर हमने लेना है 1 टेबल स्पून सौंफ। सौंफ को हमें ज़्यादा नहीं लेना, अदरवाइज़ इसका फ्लेवर आ जाएगा। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, साबुत सूखा धनिया। फिर हमने लिया है 8 से 9 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च के। 2 टेबल स्पून लौंग लिया है और 1 टेबल स्पून छोटी इलायची ली है। 3 अदद स्टार एनाइस के लिए है और 10 ग्राम लगभग दालचीनी लिए हैं। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून काली मिर्च लिए हैं और 10 तेज पत्ते लिए हैं। तो अब इन सभी मसाले को हमें करारा करना है, इसे रोस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे पैन हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है, सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम पे रखना है ताकि हमारा मसाला करारा हो, ना कि रोस्ट हो, इसलिए इसे हल्के हाथ से चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। हल्का सा मसाला सेक जाएगा तो हमें इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी और पीसने में भी हमें ईजी होगा। इसे बस मीडियम फ्लेम पे हल्का सा सेकना है ताकि इसकी सारी नमी दूर हो जाए। मीडियम फ्लेम पे पैन में हमने मसाले को 2 मिनट के लिए सेक लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए मसाले को पैन में ही रहने देंगे। थोड़ा सा जब हमारा पैन ठंडा हो जाए तब इसे हम प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह से सिक गया है और ये पूरा ही कुरकुरा टाइप का हो गया है, इसकी सारी नमी चली गई है। अब हम इसे मिक्सी में डाल करके अच्छे से एक पाउडर बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाले को हमें गरम गरम नहीं पीसना है, अदरवाइज़ इसका जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मसाले को पूरा ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। मसाला बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है। मिक्सी को आप बीच बीच में रोक करके ही चलाएं ताकि मसाला आपका एकदम फाइन पाउडर बन के निकले। हमारा ये गरम मसाला फ्रेंड्स तैयार हो गया है। अब आप इसे किसी भी बॉल या प्लेट में निकाल के अच्छे से ठंडा कर लें। तब फ्रेंड्स, गरम मसाले का फाइन पाउडर में कोई भी रेसिपी बनाएं उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच या जितना भी क्वांटिटी में आप ले, इसे डाल करके ज़रूर बनाएं। आपका जो भी रेसिपी बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और खुशबूदार बनेगा। अपने हर मटन चिकन की रेसिपी, कोरमा की रेसिपी, करी की रेसिपी या कबाब की रेसिपी में भी आप इसे डालें, आपको इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगा। इस रेसिपी को इस बकरीद ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।